तालिब पढ़ रहे थे, हकीकत लग रहा था कि मगरूर क्यों फलक पे ये दीवाना चांद है। इनके चेहरे से जो झलक रहा था कि मगरूर क्यों फलक पे ये दीवाना चांद है, उससे हसीन धरती पे आयशा सी चांद है। हज़रत गिरामी, अल्लाह ताला जनाब मौलाना साजिद रहमानी की उम्र को लंबी करे। आइए एक शेर और एक शायर और हमारे बीच में है जो फारबिसगंज की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आपने अगर इनका कलाम को सुना होगा तो अल्लाह तबार ताला ने इनके लबो लहजे में वह जादू अता फरमाया है कि हर दिल इनकी तरफ खींच जाए, इनकी आवाज़ों पर फिदा हो जाए। अल्लाह तबार ताला ने वह सुरेली और खूबसूरत आवाज़ से इनको नवाजा है, आज हम तमाम लोगों के बीच में आए। आइए इस एक शेर के साथ मैं जनाब नसीमुद्दीन राही साहब को आपके हवाला कर देना चाहता हूँ कि साकी पिला दे कोई शराब ऐसी खुशगवार, साकी साकी पिला दे कोई शराब ऐसी खुशगवार, हम पी लें और इन देखने वालों को खुमार। जनाब कारी नसीमुद्दीन राही साहब जो फारबिसगंज की सरजमीन से हम तमाम लोग के बीच, माशाल्लाह ये 100 रुपए का इनाम से मुझे भी नवाजा है। एक मरतबा आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह, बहुत बड़े शायर आ रहे हैं, इतना मरिया सुभान अल्लाह में तो ये जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे भाई मैं चले जाता हूँ। सुभान अल्लाह पढ़िए, शेर पढ़ेंगे, कहिए सुभान अल्लाह। आइए और स्टेज पर बैठे हुए शोराइजाम नकीबे हिंदुस्तान और आज के ये खूबसूरत पिंडाल में खूबसूरत बैठे हुए सामाई, आइए दूल्हे की तरफ से सारी खुशियां मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुल्हन को भी क्यों मैं उदास छोड़ूं, दुल्हन को भी मैं इस शहरे में शामिल करना चाहता हूं। आइए बंद तो शेर, ये रुखसती तो बहुत लंबा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो कम से कम 1.5 घंटा, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसर करते हुए आप तमामी हजरात की अदालत में हाजिर करता हूं। एक बार सुभान अल्लाह की सदा से आप मुझे इजाजत दीजिए। यही तहजीब दुनिया है, यही तहजीब दुनिया है, यही रस्में जहां बेटी, यही तहजीब दुनिया है, यही रस्में जहां बेटी, यही तहजीब दुनिया है, यही तहजीब दुनिया है, यही रस्में जहां बेटी। तुझे रुखसत करूं गम और खुशी के दरमिया बेटी, तुझे रुखसत करूं, तुझे रुखसत करूं गम और खुशी के दरमिया बेटी। मेरी मेरी कुछ खास बात को बहुत ही गौर से सुनना, मेरी कुछ खास बातों से बहुत ही गौर से सुनना, मेरी कुछ खास बातों को, मेरी कुछ खास बातों को बहुत ही गौर से सुनना। इन्हीं बातों पे चलकर हो ग
का जीवन कामरा बेटी, इन्हीं बातों पे चल कर हो गा जीवन कामरा बेटी। नबी की प्यारी बेटी फातिमा के नक्श पर चलना, नबी की प्यारी बेटी फातिमा के नक्श पर चलना। अरे बना लेना दरे ससुरा लोगो जन्नत निशा बेटी। बना लेना दरे ससुराल को जन्नत निशा बेटी। खदीजा की शराफत पाक बाजी उम्मे सलमा की, खदीजा की शराफत पाक बाजी उम्मे सलमा की। खुदा दे तुझको हजरत आयशा की खूबियां बेटी। यही तहजीब दुनिया है, यही रस्में जहां बेटी। खदीजा की शराफत पाक बाजी उम्मे सलमा की, खदीजा की पाक बाजी उम्मे सलमा की। खुदा दे तुझको हजरत आयशा की खूबियां बेटी। और देखिएगा कि लड़की की माँ जब अपने बेटी को जब रुखसत करती है तो क्या आलम होता है। मैं हाजिर करता हूँ, मलाइजा फरमाए, तमन्ना आज पूरी हो, यही तहजीब दुनिया है, यही रस्में जहां बेटी। गिरा है दूर करना आयशा तुमको निगाहों से, गिरा है दूर करना आयशा तुमको निगाहों से। तेरी फुरकत से दिल पे छा गया गम का समा बेटी। तेरी फुरकत से दिल पे छा गया गम का समा बेटी। यही तहजीब दुनिया है, यही रस्में जहां बेटी। तुझे रुखसत करूं गम और खुशी के दरमियां बेटी। अगर था एक घर पहले तो अब दो घर हुए तेरे, अगर था एक घर पहले तो अब दो घर हुए तेरे। खुदा ने दे दिया तुझको नया एक खानदा बेटी। खुदा ने दे दिया तुझको नया एक खानदा बेटी। और बिल्कुल शॉर्ट करते हुए मैं आखिरी बंद की तरफ मैं अपने शेर को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला जब फरमाए, तेरे ख्वाबों का शहजादा तेरा दिलबर मुबारक हो, तेरे ख्वाबों का शहजादा तेरा दिलबर मुबारक हो। मेरी बेटी तुझे शोहर, मेरी बेटी तुझे शोहर का प्यारा घर मुबारक हो। प्यार
सफर ससुराल का तुझको मुबारक हो। आयशा जा सफर ससुराल का तुझको मुबारक हो। रहे ससुराल वाले तुझे पे हर दम मेहरबा बेटी। यही तहजीब दुनिया है यही रस्में जहां बेटी। तुझे रुखसत करूं गम और खुशी के दरमिया बेटी। देखिएगा हमारे कोचिंग जो चला रहे थे उनके डायरेक्टर साहब का नाम हाफिज जाफर साहब। बस उनके कोचिंग के जो फरमान है जो उद्देश्य है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अगर हर लोग उस पर अमल कर लेंगे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर हिंदू हो तो वो आप अपने रामायण को घर में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर मुसलमान हो तो आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आइए मैं बिल्कुल आप तमामी हजरात की अदालत में हाजिर करना चाहता हूं। राजा फरमाए कि पाक कुरान से देखिएगा कि पाक कुरान। थोड़ी सी आप बेदारी लेना चाहता हूं, थोड़ी सी आप बेदार हो जाए इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अभी आप लगेंगे कि मुशायरे की महफिल में बैठे हुए हैं कि पाक कुरान से पाक कुरान से सब वफा कीजिए। 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 अपने बीमार दिल की दवा कीजिए। अपने बीमार दिल की दवा कीजिए। अपने भी महर दिल की दवा कीजिए। और आजम साहब की मैं तरफ से ये हाजिर बंद हाजिर कर रहा हूं। मुला जफर मैं कि उसकी तालीम सब को दिया कीजिए। उसकी तालीम सब को दिया की तालीम सब को दिया कीजिए। उसकी 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 तालीम सब उसको रोजाना घर में पढ़ा कीजिए। उसको रोजाना घर में पढ़ा कीजिए। घर हमारे तिलावत से आबाद हो। घर हमारे तिलावत से आबाद हो। अपने मौला से यारो दुआ कीजिए। अपने मौला से यारो दुआ कीजिए। और मक्के का शेर मैं हाजिर कर रहा हूं। मौला जब फरमाए ऐ नसीम उठ के रो जाना वक्त सहर। 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 ऐ नसीम उठ के रो जाना वक्त सहर।
हाजात पेशे खुदा कीजिए, अपने हाजात पेशे खुदा कीजिए, पाके कुरान से सब वफा कीजिए।